रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के पीरटांड प्रमुख सह पीरटांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नावाडी के लोकप्रिय और कर्मठ पंचायत समिति श्री सिकंदर हेमरम जी। सिकंदर हेमरम जी एक युवा शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और एक प्रसिद्ध समाजसेवी भी हैं। आपको बता दूं कि श्री सिकंदर हेमरम जी ने स्नातकोत्तर किया है और इन्होंने बीएड भी किया है। बहुत ही अच्छी तरह से पिछले लगभग 5 वर्षों से पूरे पीरटांड प्रखंड में ये काम कर रहे हैं। नावाडी पंचायत की आम जनता के लिए भी काम कर रहे हैं। एक शिक्षित जनप्रतिनिधि के रूप में सिकंदर हेमरम जी पूरे नावाडी पंचायत और पीरटांड प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिले में जाने और पहचाने जाते हैं। तो आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और स्वागत करें श्री सिकंदर हेमरम जी का। हेमरम जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप पीरटांड के प्रमुख हैं और पीरटांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नावाडी के पंचायत समिति भी। कौन कौन से काम एक पंचायत समिति के रूप में पिछले लगभग 5 वर्षों में नावाडी पंचायत की जनता के लिए और नावाडी पंचायत के विकास के लिए आपने प्रमुख रूप से किए? चलिए, देखिए, पंचायत समिति और प्रखंड प्रमुख होने के नाते सरकार की ओर से वित्तीय पावर तो हम लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित या जिला प्रशासन के माध्यम से जो योजना आम जनता के लिए संचालित हो रहा था, तो वैसा हम लोगों ने कई अपने विचार से जहां लगा कि यहां आम जनता सुविधा के लिए जरूरत है, हम लोगों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए अनुशंसा करवाए हैं। कई रोड बना है, पुलिया बना है और पहले की अपेक्षा अभी पीरटांड में सिर्फ नावाडी पंचायत ही नहीं, पूरा पीरटांड प्रखंड में कनेक्टिविटी के तौर पर आज कहीं भी देखा जा सकता है, घुमाया जा सकता है। यानी पहले बहुत ही सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते वहाँ डेवलपमेंट वर्क काफी प्रभावित हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों के सपोर्ट के माध्यम से और लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पर पीरटांड प्रखंड अभी विकास की रास्ते पर आ चुका है और धीरे धीरे लोग विकास के गति को देने के लिए समर्थन भी दे रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं, जिसके लिए कई प्रकार की केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, जिला प्रशासन की कोई भी योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, तो सब अब वो बहुत बढ़िया तरीका से लोग विकास करने में भी सहयोग भी करते हैं और हम लोगों से जो जरूरत की चीजें हैं वो बीच बीच में आकर के डिमांड भी करते हैं और उनकी आवाज जो होता है हम लोग गंतव्य जगह तक पहुंचाते हैं और आवाज सुनी जाती है
और काम होता है। एक प्रखंड प्रमुख के नाते बात अगर पूरे पीरटांड प्रखंड की जाए तो पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में पीरटांड प्रखंड के किस तरह के काम हो रहे हैं, आम जनता किस तरह से और कितना हद तक लाभान्वित हो पा रही है, और क्या आम जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्वक तरीके से पहुंच पा रहा है या नहीं। प्रखंड प्रमुख होने के नाते क्योंकि हम लोगों को कार्य में गति देने के लिए और कार्य की गुणवत्ता देखने के लिए विशेष रूप से हम लोगों को वहाँ जनता ने भी अपना निर्वाचित किए थे और सरकार का भी निर्देश कमोबेश उसी तरह का था। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी पैसा मिला है लोकल जन प्रतिनिधि वहां के मुखिया है, वार्ड सदस्य हों चाहे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, अपने ओर से भरपूर प्रयास किए हैं कि वो काम जमीनी स्तर पर हो, आम जनता इसे लाभान्वित हो। और कई ऐसा पंचायत है कि जो मुखिया जी लोग भी हैं काफी डेडिकेटेड हैं, पब्लिक के साथ में मिलजुल करके धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किया गया है। 100% तो मैं नहीं कहूंगा, एका दुका कहीं हो सकता है क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं है। तो शुरुआती दौर पर सरकारी काम को सरकारी नजर से देखने के चलते कहीं कहीं डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन जहां लोग थोड़ी से भी अवेयर है, जागरूक है, वहां धरातल पर काम को उतारा गया है। श्रीमान आप ये बताएं कि पीरटांड प्रखंड में कुल कितनी पंचायतें हैं? पीरटांड प्रखंड में 17 पंचायत है। बात अगर सर्वश्रेष्ठ पंचायत की जाए तो आपकी दृष्टि से पीरटांड का सर्वश्रेष्ठ विकसित पंचायत कौन सा? अभी हमारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुमार लालो, क्योंकि वहाँ कई प्रकार की है, एजुकेशन हब भी है, वहाँ के लोग भी जागरूक है, वहाँ की जो मुखिया है वो भी काफी डेडिकेटेड है और लोगों के दुख सुख के साथ में हमेशा खड़े होते हैं। कौन सा पंचायत ऐसा है पीरटांड प्रखंड अंतर्गत जिसे लगता है कि अभी निचले पायदान पर आप रखेंगे विकास के मामले में? अभी जो है सबसे तुयो पंचायत है, तुयो हाँ, और एक सिमर कोढ़ी भी है, लगभग लगभग से दो पंचायतें तुयो और सिमर कोढ़ी जिसे आप निचले पायदान पर रख रहे हैं विकास के दृष्टिकोण से, क्या कारण है कि इन पंचायतों में विकास नहीं हो पाया? कारण वहाँ देखिए बहुत सारा कारण है। एक तो कनेक्टिविटी उस पंचायत में अभी भी वहाँ वैसा नहीं है जो और दूसरे पंचायतों में। दूसरी बात है लोग सरकार की जो योजनाएं होती है जो आम जनता के लिए, उनके बारे में या उनके सोच उतना विकसित नहीं हुआ है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अब धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को भी अन्य पंचायत के लोगों की तरह पीछे नहीं छोड़ेंगे और विकास के रास्ते में अन्य दूसरे पंचायत में जिस तरह से लोग जुड़े हुए हैं उसको भी ला करके हम लोग जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो प्रयास होंगे उन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव होगा और जो पंचायत अभी विकास हेतु अंतिम पायदान पर है, पिछले पायदान पर है, आने वाले समय में वो ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, उन पंचायतों में भी विकास की गंगा बहेगी आप लोगों के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन। बहुत बहुत हैमरम जी, पंचायत स्तर पर पूरे झारखंड प्रदेश का भ्रमण होता है, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कहीं कहीं पंचायतों में सरकारी योजनाओं में बंदर बांट, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनमानी रवैया, घूस, रिश्वत जैसी बातें भी सामने आती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। इस विषय पर एक प्रखंड प्रमुख के रूप में आपकी क्या राय है, आप किस तरह से इन बातों को देखते हैं? नहीं, वही तो मैं पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है जिसने ईमानदारी प्रयास नहीं किया है, वैसे जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए काम होना था नहीं कर पाए, उसके कई कारण हैं। एक तो जनप्रतिनिधि वो ईमानदारी के रूप में जनता के प्रति जो समर्पण सेवा भाव था उनका नहीं रहा, मुद्रा मोचन कर रहा है। और ऐसे पंचायतों में राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच टीम गठित किया गया है और जो भी जनप्रतिनिधि जनता के साथ धोखा किए उसके साथ निश्चित रूप से उसी प्रकार से सलूक किया जाएगा जिस प्रकार जनता के साथ कोई जनप्रतिनिधि किए
छल किए हैं, धोखा दिए हैं। कई ऐसे पंचायत भी हैं जो काम धरातल पर ना उतर करके केवल पेपर पर टिक सिमटा हुआ है। ये हम लोगों ने भी देखा है और जिसकी शिकायत हम लोग संबंधित विभाग को, संबंधित वरीय पदाधिकारी को भी देने का काम किया है। और उम्मीद करते हैं कि विभागीय जांच भी हो और जनता का जो पैसा है जो जमीनी स्तर पर उतरा नहीं, पुनः जनता को कैसे मिले, इसके लिए भी कोशिश में लगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड प्रमुख और पीरटांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नावाडी के पंचायत समिति श्री सिकंदर हेमरम जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेमरम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या आप बतौर मुखिया ग्राम पंचायत नावाडी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, या फिर क्या आप एक बार फिर से पीरटांड प्रखंड प्रमुख के रूप में प्रखंड की जनता के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें? जाहिर सी बात है, 5 साल के दरमियान में हमने जनता के लिए अपनी जितनी ताकत है, शक्तियां हैं, वफादार के तौर पर हमने सेवा किया है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अगर मौका मुझे मिलता है तो हम निश्चित रूप से पुनः प्रखंड प्रमुख के तौर पर हम अपने आप को देखते हैं। और हमसे ज्यादा वो जनता कहेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के निर्वाचित होते हैं, जनता के सोच के अनुरूप ही कोई जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी तक की सिचुएशन में जनता का जो रुझान है, कई लोगों का, जैसे हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी तो मैं सरकार का एक कार्यकारी प्रधान के रूप में पीरटांड में अभी कार्य कर रहा हूँ। लोगों का जो रुझान है, कई बार फोन आ रहा है कि नहीं, एक बार पुनः आपको इस जगह पर बैठने की जरूरत है, ताकि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र का आवाज बन सके। चलिए, आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे झारखंड में पंचायत का, तो पीरटांड प्रखंड से बतौर प्रमुख आप चुनाव लड़े, आप जैसे योग्य युवा शिक्षित जनप्रतिनिधि अगर पीरटांड प्रखंड की जनता को मिलती है तो निश्चित रूप से जनता का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।